नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रतिशतता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका 6वां भाग है। यदि आपने इसका 5वां भाग नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको यह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम प्रतिशतता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर से जो है किसी भी एग्ज़ाम जैसे बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में ज़रूर 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रतिशत चैप्टर के कठिन से कठिन प्रश्नों को मात्र हम 2 से 3 सेकंड में कैसे हल करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, देखिए यह कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीददार 160 रुपया में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। देखिए, यह प्रश्न SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें बार बार यह प्रश्न प्रतिशतता के अंतर्गत जो आता है, बहुत बार बार यह पूछता है यह सवाल। तो देखिए, हम कैसे मात्र 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह आज हम देखिए 3 टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चीनी के मूल्य देखिए 20% की कमी होने पर, यहाँ पर देखिए 160 रुपया दिया है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 160 गुणे, यहाँ देखिए 20%, 160 का 20/100 यानी प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 20/100 हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा आपका, यदि आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 32 रुपया हो जाएगा। और देखिए, अब इसको 32 रुपया को आप यहाँ पर देखिए 8 किलो करा अधिक खरीद ले रहा है, यानी 8 kg, तो कितना रुपया हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो देखिए आपका हो जाएगा 4 रुपया प्रति किलो। समझ में आ गया होगा। देखिए, 160 रुपया का 20% यानी 20/100 32 रुपया हो जाएगा। आप कह रहा है कि 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो देखिए अब 32 रुपया में 8 किलोग्राम से भाग दे दीजिए, तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम निकल गया। अब देखिए, हमसे यदि यह पूछा होता कि घटा या नया कीमत बताइए, तो आंसर इसका 4 रुपया प्रति किलोग्राम ही हो जाता। लेकिन देखिए, यह प्रश्न क्या पूछा है कि इसका ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, यानी इसमें पूछा है कि पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी इसके पहले कितना रुपया किलो चीनी बिक रहा था। देखिए, ओरिजिनल वैल्यू पूछा है। अगर परीक्षा में यह भी पूछता है कि इसका कीमत बताइए या नया या घटा हुआ कीमत, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे इसमें पूछा है जो है ओरिजिनल वैल्यू, यानी यहाँ पर कहा पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो देखिए 4 रुपया प्रति किलोग्राम निकल गया। अब देखिए, ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर लिखिएगा ओरिजिनल वैल्यू का देखिए 20% कमी हो जा रही है, तो 20% कमी यानी क्या करेंगे, 100 में से आप 20% को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80/100 हो जाएगा। बराबर कितने हो रहा है, तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम पर कमी हो रहा है। तो देखिए, अब इसको हल कर दीजिए, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 × 2 = 8 यहाँ पर हो जा रहा है। तो देखिए, यदि हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यानी मूल कीमत यानी ओरिजिनल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको इधर करेंगे तो यानी 10/2 यानी आपका जो है 5 रुपया, यही आपका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए 5 रुपया जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, यही जो है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखिए कैसे हम किए हैं, यहाँ पर पहले 160 का 20% निकाले, 32 रुपया देखिए अब करा 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा जा रहा है, तो 8 किलो से भाग दे दीजिए, तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी पड़ा। अब देखिए, यह पूछा पहले कितना रुपया चीनी का मूल्य था, तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू का आप 80/2 देखिए, यहाँ पर 80 कहाँ से आया, तो 20% कमी हो रही है, इसीलिए 100 में से 20% घटा दिया गया है, तो यहाँ पर 80/100 बराबर देखिए 4 रुपया प्रति किलोग्राम के, तो
तो ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल कीमत जो है 5 रुपया आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यह कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 144 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, चीनी का वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, तो सेम जिस तरह आप पहला सवाल हल किए उसी तरह इसे भी हल कीजिए। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर देखेंगे कितना है 140 रुपया, अब क्या करेंगे 140 रुपये का 25/100 कर देंगे, 25% दिया है तो ये कितना निकल जाएगा, तो देखिए निकल जाएगा 25 × 100 तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 2 और कितना हो जाएगा 24, 4 × 6 यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 यानी 36 रुपया। ये देखिए आ रहा है आपका 36 रुपया। अब बटे क्या करेंगे, 4 किलो देखिए चीनी आप अधिक खरीद रहे हैं, तो देखिए 36/4 kg यानी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 यानी 9 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। अब देखिए आपसे यदि नया या घटा कीमत पूछेगा तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन पूछा है ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, यानी चीनी का देखिए वास्तविक कीमत पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का यहाँ पर देखिए 25% कमी हो जा रही है, देखिए जब कमी हो जा रही है तो आप 100 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 75/100 हो जाएगा। 75/100 का कितना करेंगे, यहाँ पर दिया है 9 रुपया प्रति किलो, यहाँ पर कर देंगे। अब इसको हल कीजिए, देखिए इसको हल करेंगे तो 15 × 75 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 20/100 हो जाएगा। अब एक बार और काटिए, 3 × 15 और 4 × 20, तो देखिए हल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू बराबर कितना होगा आपका, यानी 9 × 4 यहाँ पर हो जाएगा 36/3 यानी आपका जो सही आंसर होगा यानी होगा आपका 12 रुपया, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 2 प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश में 25% की कमी और हर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न बदलकर 15/16 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आसान सवाल है तो कैसे हल करेंगे, देखिए हम सब सॉल्व कर रहे हैं कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए ओरिजिनल भिन्न, यहाँ पर मान लीजिए मूल भिन्न कितना, यहाँ पर मान लीजिए आप मूल भिन्न बराबर आप मान लीजिए आपका यानी है x/y है। अब देखिए x/y यानी अंश जो आपका x हो जाएगा और हर आपका जो यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए कर अंश में 25% की कमी, देखिए पर जब कमी कहे तो आप 100 में से घटा दीजिए, तो 25% की कमी करेंगे तो अंश में यानी x * कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। अब बटे फिर कह रहा है हर में 20% की वृद्धि, और देखिए जब प्रतिशत जब वृद्धि कहे तो आप 100 में 20 जोड़ दीजिएगा, यानी y में कितना हो जाएगा आपका 20% वृद्धि यानी 120% बराबर कितना, इसमें कह रहा है 15/16 भिन्न बदलकर कितना हो जा रहा है, भिन्न जो है बदलकर 15/16 हो जा रहा है। देखिए जब प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा यहाँ पर, अब देखिए इसको हल कीजिए तो देखिए 15/75 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 24/125 हो जाएगा। अब देखिए इस 15 से यह 15 भी कट जाएगा, यह कितना होगा x/y बराबर आपका हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 24/16 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए यानी x/y बराबर हो जाएगा देखिए 6 × 24 और 4 × 16, तो यहाँ पर देखिए यदि हम देखें तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24 और 2 × 8 = 16 यानी आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3/2 यानी मूल भिन्न यानी जो ओरिजिनल जो आपका फ्रैक्शन है 3/2 आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम सब
मूल भिन्न एक्सपेक्टेड वायु मालिनी है, अब 25% की कमी कर आए अंश में तो 100 में से घटा दीजिए 75% और कर आए हर में 20% की वृद्धि तो 100 में 20% जोड़ दीजिए 120% हो गया। अब बराबर देखिए 15/16 भिन्न बदल कर हो जा रहा है, अब इसी को हल कर दीजिएगा जो एक्स और वाई का वैल्यू यानी मान आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। देखिए बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम सब कल देखें, यदि आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भूलिएगा मत, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यह कैसे लगेगा, कल हम सब इस तरह के कई प्रश्नों को हल किए हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, क्या है वही फार्मूला है यानी आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100 वही फार्मूला है। तो देखिए उसी से हम सब इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए जब कर आप 25% कम अंक प्राप्त हुए हैं बी को ए से तो आप कर दीजिएगा इस तरह के सवालों को, 20% अंक जो है कम है तो आप पहले लिखिएगा 20/80 गुना में कर दीजिएगा 100 तो 20 यहाँ पर चौक हो जाएगा 80, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका 25%, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी तरह आप एग्जाम में हल कर दीजिएगा। देखिए मात्र 2 लाइन का यह सवाल था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन मात्र 2 सेकेंड में हल हो गया, इस यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 25%। यदि दोस्तों आपको आज का जितना प्रश्न सभी मैंने बताया यदि आपको बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप डेली इसी तरह ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।